स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड का शॉर्ट स्टोरीज का एक चैप्टर, जिसका नाम है स्पेशल एक्सपीरियंस, को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। यह चैप्टर नंबर 4 है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिरोमणि भी कहे जाते हैं, और इनकी कहानियां, इनकी रचनाएं बिल्कुल जीवंत लगती हैं। प्रेमचंद के द्वारा जो कहानी लिखी गई थी मूल रूप से, उसका नाम था अनुभव। इस कहानी को अनुवादित किया गया है इंग्लिश में, और यहां पे स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत है स्पेशल एक्सपीरियंस के नाम से। इस स्टोरी में आजादी के पहले, जब आजादी की शुरुआत की लड़ाई का समय था, उसका विवरण है। किस तरह से लोगों में दीवानगी छा गई थी आजादी के लिए, किस तरह से लोग घर बार, जमीन जायदाद और यहां तक कि अपना जीवन तक न्यौछावर कर दे रहे थे हंसते मुस्कुराते हुए, इसका एक विवरण आपको इस कहानी में मिलेगा। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दे गेव हिम ए ईयर्स हार्ड लेबर फॉर इट। उन लोगों ने उसको एक साल सश्रम कारावास की सजा दी। ए ईयर्स हार्ड लेबर का अर्थ है सश्रम कारावास, एक वर्ष का। उन लोगों का प्रयोग किया गया है ब्रिटिश के लिए, अंग्रेजों के लिए, और जिसे सजा दी गई है वह आंदोलनकारियों का सहायक था। फॉर सच ए ट्राइवल ऑफेंस 3 days एगो ऑन ए हॉट मे आफ्टरनून। ट्राइवल का अर्थ होता है महत्वहीन, ऑफेंस का अर्थ है अपराध। इस छोटे से महत्वहीन या तुच्छ अपराध के लिए 3 दिन पहले मई के बिल्कुल गर्म दोपहरी में या दोपहरी के बाद के समय में, ही हैड गॉन एंड सर्व्ड शरबत एंड पान टू द पॉलिटिकल एजिटेटर। पॉलिटिकल एजिटेटर का अर्थ है राजनीतिक आंदोलनकारी। 3 दिन पहले मई कि दोपहरी में, गर्म दोपहरी में, वह राजनीतिक आंदोलनकारियों को शरबत और पान दिया था, जिसे सजा दी गई। आई वॉज इन कोर्ट एट द टाइम, और उस समय मैं न्यायालय में थी। आउटसाइड द कोर्ट रूम द पोलिटिकल पैशन ऑफ एंटायर टाउन्स पॉपुलेस सीम्ड टू बी लेसिंग इट्स टेल एंड हाउलिंग लाइक ए फेरोसियस केज्ड क्रीचर। पोलिटिकल पैशन का अर्थ होता है राजनीतिक
जोस। पॉपुलेस का अर्थ है जनता, लेसिंग का अर्थ होता है पटकना, हाउलिंग मतलब गुर्राना, फेरोसियस मतलब भयानक, केज का अर्थ है पिंजड़े में और क्रीचर का अर्थ है जानवर या प्राणी। आउटसाइड द कोर्ट रूम, न्यायालय कक्ष के बाहर राजनीतिक जोश था उस कस्बे के लोगों का, ऐसा जान पड़ता था कि जैसे कोई भयानक प्राणी जो पिंजड़े में बंद है और अपनी पूंछ को पटक रहा है और साथ ही साथ गुर्रा रहा है। वह जो जोश था लोगों का कोर्ट के सामने, कोर्ट के बाहर, उस जोश को देख के लगता था कि जैसे एक भयानक प्राणी को पिंजड़े में कैद करके रखा गया है और वह प्राणी अपनी पूंछ को पटक रहा है और गुर्रा रहा है। दे ड्रैग हिम इन हैंडकफ्स, उन लोगों ने उसको हथकड़ियों में खींच लाया। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस, अचानक ही पिन ड्रॉप शांति छा गई। पिन ड्रॉप साइलेंस का अर्थ है कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। बट देयर वॉज ए मिल स्ट्रॉम इन माई हेड। मिल स्ट्रॉम का अर्थ होता है तूफान या बाउंडर। लेकिन मेरे सिर में बाउंडर मचा हुआ था। एंड आई फेल्ट एज इफ आई वॉज मेल्टिंग अवे इन टू नथिंगनेस। अब मैं कुछ ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे मैं पिघल रही हूं और पिघल के समाप्त हो जा रही हूं। नथिंगनेस का अर्थ है कुछ नहीं, तो पिघल के समाप्त होने जैसी अनुभूति मुझे हो रही थी। टर्बुलेंट वेव्स ऑफ सेंसेशन स्वेप्ट किसलेसली ओवर माई हॉरिपिलेटिंग बॉडी। टर्बुलेंट वेव्स का अर्थ है तूफानी तरंगे। हॉरी पिलेटिंग का अर्थ है रोंगटे खड़े कर देने वाला। तूफानी तरंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, वो मेरे शरीर में बह रही थी। स्वेप्ट कार्ट तो झाड़ू लगाना होता है, लेकिन तूफानी लहरें जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, वो मेरे शरीर में बह रही थी। आई हैड नेवर फेल्ट सो प्राउड इन माई लाइफ बिफोर। अपने जीवन में इससे पूर्व मैंने कभी भी इतना गर्व, इतना स्वाभिमान महसूस नहीं किया था। आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट, फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर पॉम्पोसली इंस्कॉन्स्ट इन हिज चेयर एंड फॉर द पुलिस कॉन्स्टेबल इन देयर जरी एम्ब्रॉयडर्ड रेड टर्बन्स। आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन ऑफ कंटेम्प्ट। इस तरह का अनजाना सा प्रतिक्रियात्मक भाव जो घृणा का था, कोर्ट के प्रति घृणा का था। कंटेम्प्ट का अर्थ होता है घृणा, और यह घृणा थी ब्रिटिश अफसरों के प्रति जो शान से अपने कुर्सी में बैठे हुए थे, विराजमान थे। प्रोम पोस्टली का अर्थ होता है शान से और इंस्कांस्ट का अर्थ है विराजमान। एंड फॉर द पुलिस कांस्टेबल, और यह घृणा पुलिस कांस्टेबल के लिए भी थी। इन देयर जरी एम्ब्रॉयडर्ड रेड टर्बन्स, जो कि लाल रंग की पगड़ी पहने हुए थे और जिसपे कढ़ाई वगैरह की गई थी।
I wanted to rush forward and touch the feet of my husband and sacrifice my life for the cause he espoused. मैं चाहती थी कि मैं दौड़ के आगे जाऊं और अपने पति के पैरों को छूं, प्रणाम करूं और अपने जीवन का बलिदान दे दूं। सेक्रीफाइस का अर्थ होता है बलिदान। और किस कारण से? इसलिए कि जो उन्होंने आंदोलनकारियों की मदद का तरीका अपनाया था उसके लिए। इस पोस्ट का अर्थ होता है अपनाना। तो जो मेरे पति ने तरीका अपनाया था उस कारण से मैं चाहती थी कि मैं दौड़ के आगे बढ़ूं और अपने पति के पैरों को छूं, प्रणाम करूं और अपने जीवन का बलिदान दे दूं। ही वॉज ए काम, कॉन्फिडेंट, रेडिएंट, रिजोल्यूट डाइटी। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। रेडिएंट का अर्थ होता है तेजस्वी। रेजोल्यूट का अर्थ है दृढ़। डाइटी का अर्थ होता है देवता। वह शांत, आत्मविश्वास से भरा हुआ, तेजस्वी, दृढ़ देवता था। नो वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं थी। नो ग्लूम, कोई अंधेरा। ग्लूम का अर्थ तो ऐसे अंधेरा होता है। कोई कायरता नहीं थी। नो टच ऑफ ग्रीफ, दुख का कोई नामो निशान नहीं था। रेदर ऑन हिज लिप्स देयर प्लेड माइंड रिवेसिंग एनर्जिंग फ्लिकर ऑफ ए स्माइल। माइंड रिवेसिंग का अर्थ है मनोहारी। एनर्जिंग का अर्थ होता है ऊर्जादायक। फ्लिकर का अर्थ होता है झलक। इसके आगे उनके चेहरे पर मनोहारी और ऊर्जादायी मुस्कुराहट की एक झलक खिल रही थी या दिख रही थी। ईयर्स हार्ड लेबर फॉर द पेटी अफेयर्स। एक साल सश्रम कारावास इस छोटे से अपराध के लिए। व्हाट ए मॉकरी ऑफ जस्टिस। मॉकरी का अर्थ होता है उपहास। न्याय का कैसा उपहास है। व्हाट एन अल्टर, किस तरह की बलि दी गई। एंड व्हाट ए सेक्रीफाइस, और किस तरह का यह बलिदान है। आई वॉज इंस्पायर्ड टू कमिट ए 100 सच पेटी ऑफेंस। और मैं इस तरह के सैकड़ों छोटे अपराध करने के लिए प्रेरित हो रही थी। माई हस्बैंड ग्लैस्ड फ्लिटिंगली इन माई डायरेक्शन एज दे लेड हिम अवे। ग्लेस्ड का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए देखना, एक नजर डालना। फ्लिटिंगली का अर्थ होता है उड़ती हुई। तो मेरे पति ने उड़ती हुई नजरों से मुझे एक नजर देखा, उस तरफ देखा जिस दिशा में मैं थी जब उन्हें ले जाया गया। I saw him smile faintly and then his expression became stern. मैंने देखा कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हल्की सी मुस्कुराहट थी। faintly का अर्थ होता है धीरा या हल्का। और तब फिर उनका जो एक्सप्रेशन था, चेहरे का भावभंगिमा जो थी, वह कठोर हो गई। स्टर्न का अर्थ होता है कठोर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट आई ऑर्डर्ड 5 rupees वर्थ ऑफ स्वीट्स एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स। न्यायालय से लौटने के बाद
मैंने 5 रुपए का मिठाई खरीदा और उसे स्वतंत्रता सेनानियों को खिला दिया। दैट इवनिंग आई पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ए पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस शाम मैंने पहली बार राजनीतिक मीटिंग में हिस्सा लिया जिसे आयोजित किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। आई एक्चुअली एड्रेस्ड द मेंबर्स एंड प्लेज्ड टू फॉलो सत्याग्रह। मैंने सही तरीके से वहाँ के सदस्यों के साथ मैंने शपथ लिया कि मैं सत्याग्रह का पालन करूंगी। प्लेज्ड का अर्थ होता है शपथ लेना, तो मैंने वहां सही तरीके से सत्याग्रह का शपथ लिया वहां के सदस्यों के साथ। आई फेल्ट ए सर्ज ऑफ पावर विद इन मी। सर्ज का अर्थ होता है बढ़ना या उभरना, तो मैंने अपने आप में एक शक्ति उभरते हुए महसूस किया। आई हैड नो आइडिया ऑफ द सोर्स ऑफ दिस इनक्रेडिबल पावर। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अविश्वसनीय। मैं नहीं समझ सकी थी कि इस अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत क्या है। सोर्स का अर्थ होता है स्रोत। व्हेन ऑल इज लॉस्ट, जब सब कुछ समाप्त हो गया था, व्हाट इज देयर टू फियर, फिर डरने की बात ही क्या थी। श्योरली द क्रिएटर कुड नॉट हैव ए वर्स कैलमिटी इन स्टोर फॉर मी। कैलमिटी का अर्थ होता है दुर्भाग्य। निश्चित रूप से क्रिएटर का अर्थ है ईश्वर। निश्चित रूप से ईश्वर कुड नॉट हैव ए वर्स कैलमिटी इन स्टोर फॉर मी, इससे ज्यादा दुर्भाग्य मेरे लिए निर्धारित नहीं किए थे। मतलब अब यह दुर्भाग्य का चरम था, इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता था। द नेक्स्ट डे आई सेंट ऑफ टू टेलीग्राम। दूसरे दिन मैंने 2 टेलीग्राम भेजे, वन टू माई फादर, अनदर टू माई फादर इन लॉ। एक टेलीग्राम मैंने अपने पिता को भेजा और दूसरा अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर को भेजा। माई फादर इन लॉ सब्सिस्टेड ऑन ए पेंशन एंड माई फादर हैड ए हाई पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। मेरे जो ससुर थे वह पेंशन पर निर्वाह करते थे। सब्सिस्टेड का अर्थ होता है निर्वाह करना, और जो मेरे पिता थे वो वन विभाग में एक ऊंचे पद पर आसीन थे। ए होल डे पास्ट, एक पूरा दिन बीत गया। नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। अनदर डे हैड स्टिल नो वर्ड, और अगले दिन भी कुछ पता नहीं चला, कोई जवाब नहीं आया। द थर्ड डे लेटर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्यूरियस लेटर। तीसरे दिन दोनों के यहां से, मतलब पिता और ससुर के यहां से पत्र आया, जवाब आया। बिल्कुल भयानक पत्र था, फ्यूरियस लेटर्स। पत्र में जो बातें थी वो दिल को भेद देने वाली थी। माई फादर इन लॉ रोट, मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे ससुर ने लिखा, हियर वॉज आई थिंकिंग आई कुड डिपेंड ऑन द टू ऑफ यू टू केयर फॉर मी इन माई ओल्ड एज। मेरे ससुर जी ने लिखा कि मैं यहां सोच रहा था कि मैं अपने बुढ़ापे के दिनों में तुम दोनों पे आश्रित होऊंगा। हाउ सोरली यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, तुम लोगों ने मुझे कितना निराश किया है। सोरली का अर्थ होता है कितना। व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। गो आउट विथ ए बेगिंग बाउल, बाहर चला जाऊं एक भीख मांगने वाला कटोरा लेकर।
ऑल आई हैव इज ए स्मॉल गवर्नमेंट पेंशन। आखिर कुल मिलाकर मेरे पास एक छोटी सी सरकारी पेंशन ही तो है, एंड दैट विल बी कट, और यह काट ली जाएगी अप टू इफ दे फाइंड आई एम साइडिंग विथ यू। और यह जो छोटी सी पेंशन है, इस पेंशन की सुविधा को भी समाप्त कर दिया जाएगा यदि उन लोगों को लगेगा कि मैं तुम लोगों का पक्ष ले रहा हूं। यदि ब्रिटिश को लगेगा कि मैं तुम लोगों का पक्ष ले रहा हूं, तो ब्रिटिश सरकार मेरी यह पेंशन की सुविधा भी समाप्त कर देगी। माय फादर्स टोन वाज माइल्डर। मेरे पिता का स्वर थोड़ा नरम था। माइल्डर का अर्थ होता है नरम। बट हिज इंटेंशन वाज सिमिलर। लेकिन उनका अभिप्राय समान ही था। जैसा मेरे ससुर का अभिप्राय था, वैसा ही अभिप्राय मेरे पिता का भी था, बस उनका स्वर थोड़ा नरम था। दिस वॉज हिज ईयर्स ऑफ ग्रेड एंड इंक्रीमेंट। यह जो वर्ष था उनकी पदोन्नति का था। इंक्रीमेंट का अर्थ होता है वृद्धि, ग्रेड एंड इंक्रीमेंट का अर्थ है पदोन्नति। He could be hauled up and his promotion stopped. उनको घसीटा जा सकता था और उनका जो पदोन्नति थी वो रुक सकती थी। Hauled up का अर्थ है घसीटा जाना। Yes, both were ready to give me verbal support as much as I wanted. हाँ, वे दोनों मुझे मौखिक रूप से सहयोग दे रहे थे या सहयोग दिए, और इतना अधिक दिए जितना मुझे चाहिए था, लेकिन सिर्फ मौखिक सहयोग दिया गया दोनों के द्वारा। I tore the two letters up and decided that I would never write to them again. मैंने दोनों ही पत्रों को फाड़ दिया और निश्चित किया कि अब इन दोनों को कभी नहीं पत्र लिखूंगी। ओह सेल्फिशनेस, कितना स्वार्थ है। व्हाट ए मार्वेलस माया यू वीव ऑन ह्यूमन बीइंग। क्या विचित्र माया है जो तुमने मानव के आंखों पर बुन दिया है, या मानव की आंखों पे कितना विचित्र माया छाई हुई है। हिज ऑन फादर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ और हार्टलेस टूवर्ड्स हिज ऑन सन। उसके अपने पिता सदैव ही स्वयं के बारे में सोच रहे हैं और कितने हृदय विहीन कठोर दिल हो गए हैं अपने पुत्र के लिए। माय फादर इन लॉ सो इंडिफरेंट। मेरे पिता कितने बदल गए हैं, कितने अलग तरह से हैं टू हिज ऑन डॉटर्स इन लॉ, अपनी पुत्रवधु के लिए। एंड टू लर्न ऑल दिस एट सो यंग एज। और यह सब कुछ मैं सीख चुकी थी, जान चुकी थी इतने कम उम्र में। यह जो जीवन की सच्चाई है, जो जीवन का कटु सत्य है कि हर किसी के लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है, यह सब सबक मैं बहुत कम उम्र में सीख गई थी। आई हैव ए होल वर्ल्ड ऑफ वंडर्स वेटिंग फॉर मी। मेरे लिए आश्चर्य का संसार इंतजार कर रहा था। मतलब हर पल हर क्षण मेरे सामने संसार का एक विचित्र, एक अनजाना चेहरा सामने आ रहा था।
जैसा मैं पहले कभी नहीं सोचती थी कि दुनिया ऐसी है, कुछ ऐसी दुनिया मेरे सामने आ रही थी। टिल दिस हैपेंड आई वॉज कॉट अप इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। यह सब जब हुआ तब तक मैं केवल घरेलू कार्यों में अपने आप को सीमित किए हुए थी। डोमेस्टिक बिजनेस का अर्थ होता है घरेलू कार्य। बट नाउ दिस न्यू प्रॉब्लम क्रॉप अप। लेकिन अब यह एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी, खड़ी हो गई थी। विदाउट हेल्प आर सपोर्ट, बिना किसी सहायता सहयोग के, विथ नो मील इन द हाउस, और घर में भोजन भी नहीं था, हाउ वुड आई मैनेज, मैं कैसे कुछ करूंगी, कैसे कर सकूंगी। बट वेयर कुड आई पॉसिबली गो, और मैं कहाँ जा सकती हूँ। इफ आई कुड हैव टेकन ए जॉब, यदि मैं कोई एक नौकरी कर लेती हूँ। बट द फेटर्स ऑफ फेमिनिटी सेकल्ड माई फिट। फेटर्स का अर्थ है जंजीरें, फेमिनिटी का अर्थ है स्त्रीत्व, सेकल्ड का अर्थ है बधी हुई। लेकिन जो स्त्रीत्व की जंजीरें मेरे पैरों को बांध रखी हैं, ऑल आई कुड डू वॉज लुक प्रेटी एंड स्वीट। मैं कुल मिलाकर बस प्यारा और सुंदर दिख सकती हूँ, मतलब साज श्रृंगार ही कर सकती हूँ। आई वॉज ए वीमन, मैं एक औरत हूँ, दैट्स ऑल। और यही बस है मेरा जीवन। इट डिड नॉट मैटर इफ आई डाइड इन द प्रोसेस। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इन प्रक्रियाओं में मैं मर जाती हूं। बट माई फेमिनिटी हैड टू बी प्रिजर्व एट ऑल कॉस्ट। लेकिन जो मेरा अस्तित्व है वो हर कीमत पर सुरक्षित होना चाहिए। नॉट वन फ्लिकर ऑफ ए स्कैंडल्स आईब्रो कुड बी रेज्ड अगेंस्ट दैट ओह नो। फ्लिकर ऑफ स्कैंडल्स आईब्रो का अर्थ है बदनामी की बातें। बदनामी की कोई भी बात मेरे विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। हे ईश्वर, आई हर्ड फुट स्टेप, आई लुक्ड डाउन। मैंने पदचाप या पैरों के आवाज सुने और नीचे देखी। देयर वेयर टू मैन स्टैंडिंग बिलो, वहां पे दो लोग खड़े थे। आई फेल्ट लाइक आस्किंग हु आर यू, मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि तुम लोग कौन हो, व्हाट डू यू वांट, और क्या चाहते हो। एंड देन इट ऑकर्ड टू मी, व्हाट राइट हैव आई। और तभी मैंने अपने आप में महसूस किया, अपने आप में पाया कि क्या मैं यह अधिकार रखती हूँ। इट इज ए पब्लिक दो फेयर, दो फेयर का मतलब है रास्ता, यह आम रास्ता है, जनता का रास्ता है। एनी वन हैज द राइट टू स्टैंड देयर, कोई भी यहाँ खड़ा होने का अधिकार रखता है। आई हैड ए सडन प्रीमोनिशन ऑफ फियर विच रिफ्यूज टू गो। प्रीमोनिशन का अर्थ होता है आशंका। तभी मेरे मन में आशंका, डर की आशंका जागृत हुई। डर की आशंका अचानक ही आई, जो समाप्त नहीं हुई, जिसने समाप्त होने से इनकार कर दिया। मतलब यह डर की आशंका बनी रही। इट रैंकल्ड इन माई हार्ट लाइक ए परसिस्टेंट एम्बर। रैंकल का अर्थ है पीड़ा देना या पीड़ा दिया, और परसिस्टेंट एम्बर का अर्थ है जलता हुआ अंगारा। तो ये जो डर की आशंका मेरे अंदर पनपी थी, वो मुझे एक जलते हुए अंगार के समान पीड़ा दे रही थी। माई बॉडी सीम टू बी बर्निंग, ऐसा जान पड़ा कि मेरा शरीर जल रहा है। आई बोल्टेड द डोर फ्रॉम द इनसाइड, मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, सांकल लगा दिया। देयर वॉज ए लार्ज नाइफ इन द हाउस, घर में एक बड़ा सा चाकू था।
दिस आई प्लेस्ड अंडर माय पिलो, और इस चाकू को मैंने अपने तकिए के नीचे रख दिया। बट द फियर कीप्ट हॉन्टिंग मी, लेकिन यह जो डर था मेरे ऊपर छाया रहा, मुझे आक्रांतित करता रहा। एस इफ पैरेडिंग अराउंड द बेड, जैसे कि यह मेरे बिस्तर के चारों तरफ घूम रहा हो, डर कुछ इस तरह से छाया हुआ था। ए वॉयस कॉल्ड, एक आवाज ने बुलाया। आई सी वर्ड, मैं कांप गई। माई हेयर स्टूड ऑन एंड, बाल कोने से खड़े हो गए, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई प्लेस्ड वन ईयर टू द डोर, मैंने अपना एक कान दरवाजे पर लगाया। समवन वाज रैटलिंग द बोल्ट, कोई दरवाजे को खड़खड़ा रहा था। रैटलिंग का अर्थ होता है खड़खड़ाना। माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, मेरा हृदय धड़कने लगा। पाउंडिंग का अर्थ है उछलना, तो यहाँ पे हृदय तेजी से धड़कने लगा। दोस्त टू, क्या वही दोनों हैं? व्हाट आर दे अप टू, अब वे दोनों क्या कर रहे हैं? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी, वे दोनों मुझसे क्या चाहते हैं? इट वॉज ऑल्सो ईरी, ईरी का अर्थ होता है विचित्र, यह कितना विचित्र है। आई डिड नॉट ओपन द डोर, मैंने दरवाजा नहीं खोला। इंस्टेड आई शाउटेड फ्रॉम द विंडो, दरवाजा खोलने के बजाय मैंने खिड़की से चिल्लाया। हु इज रैटलिंग द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? द रिप्लाई calmed मी, जवाब जो आया उसने मुझे शांत कर दिया। माई फियर वैनिश्ड, मेरा डर समाप्त हो गया। वैनिश्ड का अर्थ होता है समाप्त हो गया होना। इट वॉज बाबू ज्ञानचंद्र, बाबू ज्ञानचंद्र थे माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे पति के परम मित्र। आई वेंट डाउन एंड ओपन द डोर, मैं नीचे गई और दरवाजा खोली। देयर वॉज ए लेडी विथ हिम, उनके साथ एक भली औरत भी थी, हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी थी। सी वॉज ओल्डर टू मी, वो मुझसे बड़ी थी। दिस वॉज हर फर्स्ट विजिट टू माई हाउस, उनका मेरे घर पे आना पहली बार हुआ था। आई टस्ट हर फीट, मैंने उनका पैर स्पर्श किया, प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया। इट वॉज मैन हु मेड फ्रेंड्स इन आवर वे ऑफ लाइफ, ये वे लोग थे जो जीवन में मित्र बनाते थे। वुमेन ऑब्जर्व द फॉर्मेलिटी, और औरतें तो बस औपचारिकता देखती थी, औपचारिकताएं ही संभालती थी। आई शोड बोथ द वे अप, मैंने उन दोनों को ऊपर का रास्ता दिखाया, मतलब उन दोनों को ऊपर लेकर आई। ज्ञान बाबू आज स्कूल टीचर, ज्ञान बाबू एक विद्यालय के अध्यापक थे। ए लर्न्ड, एक शिक्षित व्यक्ति थे। लार्ज हार्टेड, विशाल हृदय के थे। उटरली मैलिस फ्री मैन, और पूरी तरह से बुराइयों से बुराई विहीन व्यक्ति थे। उटरली का अर्थ होता है पूरी तरह से, मैलिस फ्री मैन, बुराई विहीन व्यक्ति। टूडे हिज वाइफ हैड टेकन हिम इन टू, आज उनकी पत्नी उनके साथ आई थी। ए वेल फ्लेश्ड लेडी, एक अच्छी खासी तंदुरुस्त भली महिला। एम्पली एंडाउड विद द कमांडिंग क्वीनली प्रेजेंस, और उनका जो वेशभूषा था, उनकी जो कदकाठी थी, एक कमांडिंग क्वीन के होने का आभास कराती थी, एक आज्ञा देने वाली रानी का आभास कराती थी। लार्डेड विथ ज्वेलरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वह ऊपर से नीचे तक गहनों से, जेवरातों से लदी हुई थी। टू ग्रेट ब्यूटी बाय द स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, बट एन इम्प्रेसियस फिगर ऑल राइट। नो ग्रेट ब्यूटी, उनकी जो सुंदरता थी वो कुछ खास नहीं थी। एनी स्टेट ऑफ इमेजिनेशन बट एन इम्प्रेशन फिगर ऑल राइट, लेकिन जो उनका प्रभाव था,
वो बहुत ही अच्छा था। वो जो महिला थी ज्ञान बाबू की पत्नी, वो सुंदर तो नहीं थी पर उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभावशाली था। हैड आई हैड मेट हर इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट आई माइट हैव इग्नोर्ड हर। यदि मैं कभी किसी और प्रसंग में उनसे मिली होती तो उनसे मिलने से इनकार कर देती। कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है प्रसंग, किसी और प्रसंग में उनसे मिली होती तो उनसे मिलने से इनकार कर देती। बट एट दैट मोमेंट शी अपीयर्ड टू बी द वेरी एम्बोडीमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एम्बोडीमेंट का अर्थ होता है अवतार, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। बट एट दैट मोमेंट शी अपीयर्ड टू बी द वेरी एम्बोडीमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन इस क्षण, इस समय वो कुछ इस तरह से आई थी जैसे कि वह आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति या आत्मविश्वास की अवतार हूं। हर लुक्स बिलीव्स हर, उनका जो उनका जो वेशभूषा था वो देखने में जैसी लग रही थी। वो बता रही थी फ्लिंट आउटसाइड गोल्ड इनसाइड। उनको देख के ऐसा कुछ लग रहा था जैसे कि वो बाहर से एक चकमक पत्थर हो। फ्लिंट का मतलब होता है चकमक, तो बाहर से चकमक पत्थर हो और अंदर से सोना।